आज का टॉपिक पेशेंट्स का ना होके नॉर्मल लोगों का है, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट उस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ये स्ट्रेस होती क्या है, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं और बाकायदा हम कहते हैं कि आजकल स्ट्रेस बढ़ रही है इसीलिए डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। स्ट्रेस की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है आम आदमी के हिसाब से, स्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो हमारी क्षमता से बाहर है तो वी गो इनटू स्ट्रेस। सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमें चाहिए 10 लाख रुपए घर को रेनोवेट कराने के लिए और हमारे पास है सिर्फ 5 लाख, तो वी विल गो इनटू स्ट्रेस। हमें पहुंचना है कहीं 1 घंटे में और सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, तो वी विल गो इनटू स्ट्रेस। हम किसी को पसंद करते हैं बट सामने वाला हमें लिफ्ट ही नहीं देता, तो दैट पर्सन विल गो इनटू स्ट्रेस। या घर वाले कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, तो दे गो इनटू स्ट्रेस। या बॉस हमें कुछ ऐसा कहता है जो हम जिसके बारे में हम कुछ नहीं कॉल बैक कर सकते, तो वी गो इन टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि हमारी क्षमता के बाहर है वो हमें तनाव देती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है हम उसको एवेलुएट करते हैं कि क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। दूसरी बात, क्या ये चीज़ मेरे दायरे में है, तो फिर उसके बाद तीसरी बात आती है, क्या ये मेरे दायरे में है तो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और अनप्रडिक्टेबल होती हैं तो वो स्ट्रेस ज़्यादा देती हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पहली बार स्ट्रेस के बारे में पढ़ा तो मैं भी काफ़ी हैरान हुआ। स्ट्रेस को मोटे मोटे तौर पे अगर सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाए, मेजर स्ट्रेस और माइनर स्ट्रेस। मेजर स्ट्रेस मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, भूकंप आ गया, ज़िंदगी में कोई ऐसा बदलाव आ गया जिसके बारे में हमने नहीं सोचा, या कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया, या जॉब चली गई, समथिंग लाइक दैट। और माइनर स्ट्रेस जैसे ट्रैफिक जैम, टॉवल ठीक से नहीं रखा, बॉस ने कुछ कह दिया और उसके बाद मूवी के लिए हम 10 मिनट लेट हो गए, कोलगेट का ढक्कन खुला रह गया, एंड ऑल दोज थिंग्स। सरप्राइजिंगली जो माइनर स्ट्रेस होती हैं वो हार्ट अटैक को बेटर प्रेडिक्ट करती हैं कंपेयर टू मेजर स्ट्रेस। इसका मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बोलते हैं ना पल पल ज़िंदगी है, तो हर पल में जो छोटी छोटी बातें हैं, और एक सिंगल बात से हमें स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस कब होता है, जब ये छोटी छोटी बातें जुड़ती चली जाती हैं, जब हम एंड में एक बार कई बार थक हार के बोलते हैं आज का तो दिन ही ख़राब था, कि जब सुबह उठे तो लेट उठे, उसके बाद ट्रैफिक जाम में फंस गए, फिर ऑफिस में कुछ कहा, फिर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हो पाया, मीटिंग में खिंचाई होगी, शाम को घर आया तो घर वालों ने खिंचाई कर दी, फिर आपका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम था वो लाइट जाने की वजह से मिस हो गया, तो रात तक होते होते हो सकता है कि दिमाग में जो है अजीब से विचार आने लगे और अपने बाल नोचने का मन करे। तो ये जो टेंशन है छोटी छोटी चीज़ों की, ये कहीं ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कंपेयर टू मेजर स्ट्रेस, और ये बेटर प्रडिक्ट करती है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। मैक्सिमम जो हार्ट अटैक्स होते हैं यूजली वो मंडे को होते हैं मॉर्निंग टाइम में, जब लोगों को ऑफिस जाना होता है, वो छुट्टी के बाद जाते हैं। तो जो स्ट्रेस है, दूसरा सवाल मन में आएगा, जो स्ट्रेस है क्या हम इसको दूर कर सकते हैं, इसका आंसर है नहीं। ज़िंदगी में स्ट्रेस कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि हम परेशान ना हो और इसको मैनेज कर सकें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।